आरोप नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 24 द्वारिकपुरी गली नंबर 3 में चल रहा आधा अधूरा सड़क निर्माण कार्य। क्षेत्रीय लोगों ने कहा, मैडम यहां आई और कहा आधी गली बनने दो, जबकि मीडिया में दिखा रहे पूरी बताया। शिकायत करने पर क्षेत्रीय पार्षद देता है महिलाओं को जेल भिजवाने की धमकी। कहा, गली बनेगी तो पूरी आधी अधूरी गली नहीं बनने देंगे, हमारे बच्चे भी गिरते पानी में। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 24 के मोहल्ला द्वारिकपुरी गली नंबर 3 के नले के पास सड़क निर्माण कार्य नगर निगम ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने मीडिया को अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि आधी अधूरी सड़क बनाई जा रही है। बताया गया कि टेंडर में जिस व्यक्ति के घर से दूसरे व्यक्ति के घर तक बनी है सड़क, वहां से शुरुआत ठेकेदार द्वारा नहीं की गई, बीच में ही करा दिया गया है निर्माण कार्य शुरू। क्षेत्रीय लोगों ने कहा, इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर नगर विधायक, महापौर, नगर आयुक्त सभी को अवगत करा दिया है, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। महिला सिद्धि ने बताया कि मैडम यहां आई, कहा कि आधी गली बनने दो, उसके बाद आपकी बनेगी। पूरी मीडिया में फैला दिया पूरी गली का निर्माण। कहा, हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है, हम गली नहीं बनने देंगे, बनेगी तो पूरी नहीं बनेगी। वहीं क्षेत्रीय पार्षद पर आरोप लगाया कि धमकी दी है कि यहां की लेडीजों को जेल भिजवा देंगे। कहा, पानी में हमारे बच्चे गिरते हैं, हमें भी समस्या है। संजू राठौर ने कहा कि हमारी गली में आधी गली का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि गली पूरी पास है। पार्षद कहता है अभी टेंडर पास नहीं हुआ है। महिला, क्या सभी को दिक्कत है? निर्माण पूरा होने पर ही समस्या का समाधान हो पाएगा। मानक बोर्ड साइड से रख दिया जाता है, जब कोई अधिकारी आता है तभी निकाला जाता है। हमें यही नहीं पता बोर्ड कहाँ लगा है, कितने रेसियों का मसाला लगना है। पार्षद की भाषा भी सभ्य नहीं है। अपना कीमती वोट दिया, इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, क्या नाम है, कौन सा वार्ड है आपका, आखिर समस्या है कैसी आपके यहाँ? नाम सर, मेरा नाम शिल्पी है, मैं 22 नंबर 24 वार्ड नंबर 24 गली नंबर 3 द्वारकापुरी नाले की हूँ। यहाँ पर ये समस्या है कि मैडम जी आई और बोली आधी गली बनने दो, उसके बाद आपकी बनेगी, मगर सर पूरी मीडिया में उनने ये फैला दिया है पूरी गली का निर्माण। ये तो हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है ना, हम लोगों को धोखा दिया है। हमने जो उन पे विश्वास किया, उनने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम अब गली नहीं बनने देंगे, बनेगी तो पूरी बनेगी, नहीं पूरी नहीं बनेगी। आप यहाँ के स्थानीय पार्षद से मिले, क्या बोला? मिले सर, वो ये कह रहे थे यहाँ की लेडीजों को हम जेल में भी डलवा सकते। क्यों, कारण क्या है? हमने उनसे अपील की थी हमारे गली बनवाओ, हम लोग जा रहे हैं, इसलिए हमें वो धमकी भी दे रहे हैं। नहीं, आधी सड़क बनी है, आधी नहीं बनी है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको? सर, हमें पानी में हमारे बच्चे गिरते हैं, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बूढ़े वाड़े हमारे जो हैं बुजुर्ग, वो भी गिरते हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम, जब उन्हें प्रॉब्लम है हमें भी प्रॉब्लम है। क्या हम इधर से भी पानी आएगा, उधर से भी पानी आएगा, बीच में हम अपने बच्चों को लेकर डूबेंगे। अब चाहती क्या है आप? सर, हम बनेगी तो पूरी गली बनेगी, अंधा नहीं बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर संजू राठौर। संजू जी, किस तरह की समस्याएं हैं, कौन सा बाढ़ है, आखिर कारण क्या है कि आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं? सर, मेन कारण से मेन उद्देश्य ये है कि सर, ये हमारी गली का कार्य चल रहा है द्वारकापुरी वार्ड नंबर 24 गली नंबर 3 का, इसके अंदर सर आधी गली का निर्माण का कार्य चल रहा है, और जबकि गली जो है पूरी पास है और आधी गली का निर्माण कार्य चल रहा है बराबर, जिसके यहाँ के ठेकेदार हैं, जिससे भी कहो वो कहते हैं कि बजट में पैसा नहीं है हमारे पास। पार्षद से नहीं बोला? पार्षद से बोला, पार्षद के पास कई बार गए, घूमने गए, वो कहता अभी टेंडर पास नहीं हुआ है, 2020 की फाइल जब हमने नूतन भेजी गई या खुलवा के देखी, उसमें नया टेंडर भी नहीं था कोई भी। महिलाएं भी शिकायत कर रही है, आखिर क्या था, महिलाओं का क्या मामला था? सर, महिलाओं के सभी को दिक्कत है, बच्चे सब छोटे छोटे हैं सर, जो बच्चे आज निकलेंगे, आज आप देख लो अगर ये रोड किसी तरह निर्माण भी हो जाता है तो सर आप खुद देख सकते हो कि दोनों तरफ ढलान का जो पानी है पूरा उसी जगह एकत्रित होगा, जब एकत्रित होगा तो वहाँ सर हमारे आधे आधे पैर से ऊपर का सब पानी जाएगा, उस पानी में बच्चे हमारे डूबेंगे, क्या करेंगे उसका आपको जवाब दे सकते हैं? मानक बोर्ड है क्या? मानक बोर्ड है, लेकिन सर यहाँ जब ही लगता है, जब कोई अधिकारी देखने के लिए आता है या निरीक्षण करने के लिए आता है, सामग्री का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है पता नहीं होता सर, किस तरह की सामग्री लगाई जा रही है, जैसे नालियाँ बनी है अभी और कुछ काम? नाली तो आप जो मर्जी देख लो, सामग्री का उपयोग वही हल्का हो रहा है, कितने 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 मसाला लगा, हमें तो यही नहीं पता है बोर्ड कहाँ लगाया, कितनी रेशियो का इसमें मसाला लगना है।
ये पार्षद आते हैं क्या? पार्षद आते, पार्षद कभी आए निरीक्षण करने चले गए घूम फिर के, उनसे कई बार अपील भी लगाई, कोई उनसे उनसे तो बात करने तरीके ही नहीं है उनके पास। तो सर क्या क्या कहते हैं उनके पास? एक कोई भी बात करने जाओगे आप उनसे, मतलब लैंग्वेज उनकी एकदम असभ्य तरीके की है। सब लैंग्वेज के उपयोग को तो होता ही नहीं है उनके पास। अगर उनके आप दरवाजे पर जाओगे कोई चीज़ कहने, तो ये कहते हैं आप जाइए या क्या करने आए हो, आपका तो कार आधी गली का चल रहा है। आपने तो वोट भी दिया था ना सर? वोट दिया था, वोट तो उस समय चलो आदमी हर को अपने देखता है कि हमारे, चलो कोई किसी को नए आदमी को खड़ा करते हैं तो ये सोच के करते हैं सर जी कि हमारी आगे तरक्की करेगा रोड की या हमारा विकास करेगा। चाहते क्या हैं आप? सर हम ये चाहते हैं यदि ये गली बनेगी तो पूरी बनेगी और आधी गली का बिल्कुल निर्माण हम कार्य चलने नहीं देंगे। और यही हमारी डीएम साहब से भी अपील है कि इस पे प्रिय कृपा करके इस पे अपील करें, या तो पूरी गली का निर्माण कार्य चलवाएं और आधी गली का ना चलवाएं।